नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में संख्याओं को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, एक अनुक्रम में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा 5, 8, 11, ये एक समांतर श्रेणी है। और जैसे अपन पहाड़े लिखते हैं 2, 4, 6, 8, मतलब संख्याओं को एक ही सीक्वेंस में लिखना, उसे अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे घर से मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अपने छत पर चढ़ने की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें देखिए सबके बीच में बराबर एक दूरी होती है, तो वो एक समांतर श्रेणी है। जैसे समांतर श्रेणी का मैं ये मेरे यहाँ से उदाहरण देता हूँ, जैसे ये बटन लगी हुई है, देख लीजिए बटनों के बीच में बराबर दूरी है, तो इसे कहेंगे अपन समांतर श्रेणी। मतलब जहाँ पर सीक्वेंस जो अनुक्रम है वो एक निश्चित होता है तो उसे अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में अपने कुछ एक बातें देखनी है। जो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा उसे अपन ए से डिनोट करेंगे। और वो प्रथम पद, जैसे इसमें कितना है प्रथम पद 2, ये समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है 5 से। उसके बाद एक और जरूरत पड़ेगी अपने को, वो है सार्व अंतर, जिसे अपन डी से डिनोट करेंगे। और वो सार्व अंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दो। ये सार्व अंतर जब बराबर हैं तो ही वो समांतर श्रेणी हैं। सार्व अंतर बराबर होने पर ही समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे देखिए इनमें सब में कितने का डिफरेंट है, 2 का, सब में 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस हो रहे हैं। तो सार्व अंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, जैसे इसकी अपन बात करें तो सार्व अंतर इसमें कितना आ जाएगा, जैसे 2। इसमें बात करें कि इसमें सार्व अंतर कितना आएगा, तो इसमें सार्व अंतर कितना आएगा 3। तो अपने को यही बातें थोड़े विस्तृत तौर पे पढ़नी है। जैसे कि मान लो अपने घर में सबके गुल्लक होती है, ये मान लो तुम्हारे गुल्लक हैं, और इस गुल्लक के अंदर पहले दिन तुम मान लो 100 रुपये अंदर डालते हो। इस गुल्लक में पहले दिन तुमने 100 रुपये अंदर डाले, उसके बाद दूसरे दिन उसमें तुम डाल रहे हो 105 रुपये। पहले दिन 100 रुपये, दूसरे दिन कितने डाल रहे हो 105, एक समांतर श्रेणी में डाल रहे हो। तीसरे दिन कितने डालोगे 110 रुपये, चौथे दिन कितने डालोगे 115 रुपये। मतलब ये जो तुम्हारा गुल्लक है इसके अंदर एक निश्चित सीक्वेंस के अंदर, एक निश्चित मात्रा के अंदर नियमित रूप से तुम इसके अंदर पैसे डाल रहे हो, और उसकी समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार से है। मतलब डेली के 5 रुपये इंक्रीज कर रहे हो, जैसे आज 100 डाले, कल 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120, 125, इस प्रकार से डाल रहे हो। अब तुम्हें पूछ लिया जाए कि 20वें दिन, इसमें तुम्हें पूछ लिया जाए कि 20वें दिन कितने रुपये डालोगे, 20वें दिन कितने रुपये डालने होंगे। अब तुम जोड़ने जाओगे बहुत टाइम लगेगा ना, गुणा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो टाइम लगेगा। तो फिर अपन फटाफट कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे प्रथम पद को अपन क्या कहते हैं A1, उसके बाद दूसरे दिन जो पैसे डाले उसको क्या बोलेंगे A2, तीसरे दिन पैसे डाले उसको क्या बोलेंगे A3, चौथे दिन पैसे डाले उसको क्या बोलेंगे A4। इसी प्रकार से अपने को कौन सा 20वें दिन का मतलब AN अपने को ज्ञात करना है, कोई भी नंबर, जैसे 20वें दिन, 25वें दिन, 30वें दिन, तो कोई भी नंबर ज्ञात करना है तो उसको अपन AN बोल देंगे। N मतलब कोई भी नंबर, कौन सा भी नंबर जो अपने को ज्ञात करना है। अब यहां देखिए जो A1 है मतलब पहले दिन है वो कितना डाल रहे हैं 100 रुपये। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ साथ साथ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। दूसरे दिन कितने डाल रहे हैं 105, तीसरे दिन कितने डाल रहे हैं 110, चौथे दिन 115। उसी प्रकार से ANवें दिन कितने रुपए डालेंगे ये अपने को ज्ञात करना है।
अब यहाँ आइए और देखिए, पहले दिन ए वन ही है ना, मतलब ये संख्या ए थी, अपना प्रथम पद यही था, तो इसको लिख दिया मैंने ए। दूसरे दिन कितने बड़े हैं इसमें, देखिए 5 रुपए बड़े हैं, मतलब 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 हुए, तो 100 ए के 7 में अपन ने क्या जोड़ा है, सार्व अंतर, जिसे क्या कहेंगे, ए प्लस डी, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस, अब यहां कितने 2 है ना, n-1d, मतलब 1d रहेगा, यहां 2 नंबर हैं। उसी प्रकार से यहां देखिए, यहां कितने हैं 100 प्लस 5 प्लस 5, 100 प्लस 5, यहां 100 प्लस 5 प्लस 5, मतलब कितने आगे 110, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, मतलब dd, ये सार्व अंतर है 5 अपना, तो d और d कितने हो गए 2d। उसी प्रकार से अगर इसको इसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस n-1d, मैं और समझाऊंगा तुम्हें, यहां कितना हो जाएगा a प्लस 3d। उसी प्रकार से यहां कितना होगा, तो यहां कितना होगा, देखिए 4 था तो कितना लिखा 3d, 3 था तो कितना लिखा 2d, 2 था तो 1d, अब मतलब एक एक कम कर रहे हैं, और 1 था तो 1 घटा दिया, मतलब 4 में से 1 घटाया 3d रहे, तो यहां फिर कितने होंगे, n में से 1 घटाएंगे, सीधी सी बात है, तो क्या होगा a प्लस n-1d, तो जो अपने an होगा वो ये होगा, तो an इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे a प्लस n-1d। इसके बेस पर ही अपने सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इसी को अपने ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। तो इसे यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास 4 पद हो जाएंगे ए एन, जो कोई भी एक पदों की, तो देखिए यहाँ अपने पास, तो देखिए यहाँ अपने पास 4 पद हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब 4 में से कोई भी 3 अपने पास है, 4 में से कोई भी 3 पद अगर अपने पास है तो बाकी वाला 1 पद ज्ञात कर सकते हैं। इन 4 में से कोई भी 3 पद अपने पास होने चाहिए। ए एन दिया हुआ है और ए नहीं दिया हुआ है, तो ये अगर 3 चीजें दी हुई है तो ए ज्ञात कर सकते हैं, ये 3 चीजें दी हुई ए एन और डी, तो ए एन ज्ञात कर सकते हैं, ए एन ए और एन दिया हुआ है तो अपन डी यानी कि सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे ये यही अपना एग्जाम्पल था कि ए बराबर कितना था अपने 100, पहले दिन 100 रुपए डाल रहे थे ना 100, उसके बाद डी कितना था, डेली कितने रुपए इंक्रीज कर रहे थे 5 रुपए। कितने पद ज्ञात करने हैं अपन, मतलब n बराबर कितना है अपने 20, 20वें दिन का ही तो ज्ञात करना था ना कि 20वें दिन उसके अंदर अपन कितने रुपए डालेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 20। तो ए एन ज्ञात कीजिए, ए एन, एन की जगह अपन कितने लिखेंगे 20, और a प्लस a कितना है 100 प्लस n-1, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, n-1, n कितना है 20-1 इंटू डी, डी कितना है अपने पास 5, और आगे बढ़िए 100 प्लस कितने हो जाएंगे 19 गुणा 5, और आगे बढ़िए 100 प्लस, और जब 19 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 95, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 95, और फिर 100 प्लस 95 कितने हो जाएंगे 195, तो 820, मतलब जो अपना 20वां पद है, मतलब 20वें दिन कितने रुपए डालेंगे अपन अंदर 195 रुपए, 20वें दिन जो अंदर पैसे डालने हैं गुल्लक के अंदर उसी सीक्वेंस में, तो अपन 195 रुपीज वहां ऐड करेंगे। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है प्रश्न 4, 7 और 10 का 21वां पद ज्ञात कीजिए, 21वां पद ज्ञात कीजिए,
तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ए कितना है अपने पास, प्रथम पद देखिए ये समांतर श्रेणी लिखी हुई है और इसमें अपने पास ए है चार, डी कितने हैं, तो डी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ, सात में से चार घटा देंगे, डी कितना आ जाएगा तीन, और कितना एन कितना है मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, 21वां पद अपने को ज्ञात करना है। अब फॉर्मूले पे आ जाइए, ए 21 अपने को कौन सा निकालना है, ए 21 और ए 21 इज इक्वल टू ए प्लस मतलब 4 प्लस एन माइनस ए मतलब 21 माइनस ए और इसका गुणा किससे करेंगे, डी से, और डी है अपने पास 3। और आगे बढ़िए, 4 प्लस 20 गुणा 3 और ए 21 जो अपने पास रहेगा वो रहेगा 4 प्लस 7, तो कुल मिलाकर के जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 64। तो इस समांतर श्रेणी का 21वां जो पद है वो अपने पास आ जाएगा 64। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।